दोस्तों नमस्कार, आज हम आपके सामने बहुत ही रोचक तथ्य रखेंगे। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता बाबा रामदेव जी की। इनको रामसा पीर भी कहते हैं। आज हम इनकी भविष्यवाणियों के बारे में बातें करेंगे। इनका जन्म 1352 ईस्वी में राजस्थान के बाड़मेर जिले में हुआ है। इन्होंने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण में भविष्यवाणी के माध्यम से एक ऐसे संत का वर्णन किया है जो विश्व का उद्धार करेगा। आज हम अपनी वीडियो में जानेंगे कि वो संत है कौन। पुस्तक 24 प्रमाण के 65 पेज पर रामदेव जी कहते हैं, नगर कोट नहीं जाट का हासी, मुखबंद होकर कवि गुणगासी, जिनके घरां बड़ भीउजी आसी, जत सत्य न्याय वो आप ही करासी। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि वह संत जाट जाति में जन्म लेगा और अपने मुख से कवि के गुण गाएगा, अर्थात कबीर परमात्मा के गुण गाएगा। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा मैर सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 17वें में बताया, वो के नाम है उसका कबीर गिरभी कावेन्या कबीर संत सोम। ये कबीर है ना, यू कबीर देव होना चाहिए यहाँ पर। ये कबीर जो लिखा है, ये कवि लिखा है, ये कबीर कहा जाता है, ये कबीर ये ऊपर रह लगा है कबीर गिरभी। तो इसका ये तो ठीक लिखा, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर इन्होंने गलत किया है। वो कबीर देव लिखा जाएगा। कवि नाम पदवी ये मूल संस्कृत मूल पाठ में है, जो कांत दर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। कवि नाम पदवी वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है, क्योंकि वो कवि कहलाता है, लेकिन वो परमात्मा होता है। अपने रूप को सरल करता हुआ हल्का तेज पुंज का बनाकर वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ नहीं लिखना था, वो कबीर देव लिख दो यहाँ पर। कबीर देव, हम कबीर देव कहने लगे, कबीर देव देव न साहब कह लो, भगवान कहो, हम उसको कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब यहाँ कबीर देव लिख दे। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। और जिनके घरों में समस्याएं होंगी, परेशानियां होंगी, तो वो संत न्याय भी अपने आप ही कराएगा। बाबा रामदेव जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भविष्यवाणी करते हैं, ये आपको हम प्रमाणित करके बताते हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज का जन्म गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा के एक जाट परिवार में हुआ है। ये देखिएगा, ये वही जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये जन्म साखी है भाई बाला वाली। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। ता मर्दान ने पूछिया, जी तीन केड़े हन, ता प्रहलाद भगत की, हा भाई आगे कबीर होया है, ते उन नानक तपा हुआ है, अते फेर ऊ होसी। ता मर्दान ने पूछिया, जी कबीर जुलाहा होया ते नानक खत्री होए, अते जी ऊ किस वर्ण होएगा, वो किस वर्ण विच होएगा, यानी किस जाति से होएगा, ते किस धरती पर होएगा होसी, और केड़े शहर ता प्रहलाद भगत की, हा भाई पंजाब की धरती ते, और वर्ण जाट जट वर्ण होगा, यानी जाट जाति में होगा। और शहर बटाले, यो बरवाले का बटाला लिख दिया ना, यो था बरवाला, बरवाले में उसी और जो भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनते हैं, वे सभी जानते हैं कि संत जी कबीर देव परमात्मा के गुण 1988 से अपने मुख कमल से विश्व को सुना रहे हैं। कबीर परमात्मा को कबीर देव कवि के रूप में भी जाना जाता है। पृष्ठ 111 पर रामदेव जी कहते हैं, हरियासी हरियाणे तोरण, रंगरी रीत चुकासी, सुंदर खाती अगम भाकिया, युग चौथे में होसी। रामसा पीर अर्थात बाबा रामदेव जी कहते हैं, वो परमात्मा के अवतार हरियाणा में आएंगे और ये कलयुग की पिछली पीढ़ी में होगा। आप सभी को विदित है कि संत रामपाल जी महाराज का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा में सोनीपत जिले के धनाना गांव में हुआ है। यहां पर रामदेव जी संत रामपाल जी महाराज का ही जिक्र कर रहे हैं। गरीबदास जी भी रामदेव जी की बात को सही बताते हुए, उस पर मोहर लगाते हुए आगे कहते हैं कि साहेब तखत कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजे बासा। वो जो परमात्मा का
अवतार होगा, तत्वदर्शी संत होगा, वो जो परमात्मा कबीर साहब जी का नौकर होगा, वो दिल्ली मंडल में वास करेगा। आप सभी जानते हैं कि पहले सोनीपत जिला, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ, वो पहले दिल्ली मंडल में आता था। गरीबदास जी ने यहाँ भी संत रामपाल जी के बारे में ही भविष्यवाणी की है। सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरनी सून जगायसी। गरीबदास जी कहते हैं कि वो सतगुरु, वो सच्चा संत, वो तत्वदर्शी संत दिल्ली मंडल में आएंगे और इस सोई हुई धरती को जगाएंगे। आगे रामदेव जी अपनी पुस्तक 24 प्रमाण पृष्ठ 17 में कहते हैं, पांच शब्द की कर स्तुति पाछे भक्ति लाया, पांच शब्द बिना संशय पड़सी यूं 84 पाया। रामदेव जी कहते हैं कि वह संत पांच शब्द से पांचों प्रधानों की साधना बताएगा और इसके बाद वो सच्ची सतनाम और सारनाम की भक्ति बताएगा। यह है घट रामायण श्री तुलसी साहिब हाथरस वाले की, इसके 27 पृष्ठ पे हम आते हैं। इस पे ये पांचों नाम काल के बताए हैं। अंतर गुफा तहां चल जाऊं, जहां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाख्या, छठवा नाम गुप्त कर रख्या। ये राधा स्वामी वाले नहीं छटेगा बिना मेरे, पांचा बगटा जोड़े ओंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये सोम परमात्मा से ले लिया और सतनाम ये एक जाप बतावे। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय यूं पांच बखानी, जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। ये पांचों नाम काल के ओंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम कहती है। सतनाम ये जाप भी बतावे उतरा के जो ये तो सजा बुमड़ा खावे। अब यहां देखो, दानी सुनो विधि बात हमारी, हम चले जाऊं पुरुष दरबारी, सुरत नरत ले लोक सिधाऊं, आदि नाम ये सत ओम तत् सत में यो सत है गुप्त है, आदि नाम ये भी गुप्त है, ये आदि नाम नहीं है और मंत्र है, उसको सार नाम कहते हैं। आदि नाम ले काल गिराऊं, इससे तक काल बेहोश हो जाता है इस मंत्र के जापते हैं, और सत नाम ले जीव उभारी, ये दो अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है सतनाम दो अक्षर का और एक तत् सांकेतिक, इससे जीव उभरेगा, इससे पाप नाश होंगे, निर्मल होगा, सत भक्ति बनेगी और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। आगे रामदेव जी कहते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद साथ में, श्याम वेद अथर्ववेद हाथ में, सूक्ष्म वेद आप रखाया, चार वेद ब्रह्मा को सुपाया। रामदेव जी कहते हैं कि वह जो संत आएगा, वह जो पूर्ण संत आएगा, वो चारों वेद और सूक्ष्म वेद के आधार से भक्ति बताएगा। संत रामपाल जी हमेशा अपने सत्संग में सूक्ष्म वेद का वर्णन करते हैं, सबसम वेद का वर्णन करते हैं, चारों वेदों को खोल खोल करके अपने सत्संगों में ये बताते हैं कि भाई वेद क्या बोल रहे हैं, सबसम वेद क्या बोल रहा है, और ये नकली संत भोली संता को गुमराह करके वेदों के विरुद्ध भक्ति बता रहे हैं। सूक्ष्म वेद को आधार मानकर ही संत रामपाल जी सत्संग और भक्ति बताते हैं। ये कबीर सागर है और इसके सबसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है 170 पृष्ठ से। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथि वार, और कपट चातुरी तब लो ये सबसम वेद निर्धार। कहते हैं तब तक तो मेरे द्वारा ये बात कही गई सबसम वेद वाली, ये गुप्त ज्ञान, सबसम वेद माने गुप्त ज्ञान जो पहले भी रब भी कहा है, तो ये निराधार महसूस होगा। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीका, जो ठीक को तिथि वार यानी ठीक उस निर्धारित धरे हुए निर्धारित किए हुए समय की जो समय नहीं आएगा, तब तक तो मेरा यो ज्ञान निराधार महसूस होगा। जब वो समय आ जाएगा ठीक का, जो है ठीक का दिन आवंत, युगंत लिखा आवंत, तो क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, सब कपट छोड़ के बुराई त्याग देंगे सब नर नारी, और जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहंत। रामदेव जी अपनी पुस्तक 24 प्रमाण पृष्ठ 100 पर आगे कहते हैं, हिंदू तुर्का एक ही प्याले उठे ली सब भ्रांत जी, चितौड़ चौरी दिल्ली डेरा उजीणो बाजार जी,
हड़मत झंडा रोपिया जद होवेली जा जयकार जी। बाबा राम साहब जी कहते हैं कि वह संत ऐसा ज्ञान बताएगा जिससे हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिट जाएगा और सभी एक परमात्मा की भक्ति करेंगे। वो संत ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर देगा और समय आने पर उसकी सभी जगह में जय जयकार होगी। यह वाणी भी बाबा जी ने संत रामपाल जी महाराज के लिए कही है। ये कबीर सागर है और इसके सवसम बोध नामक एक चैप्टर है और खंड इसका वही बोध सागर खंड है। 170 पृष्ठ से हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान और सतनाम की साख गहे वो पावे पद निर्वाण। अब क्या बताया है कि हिंदू तुर्क हिंदू और मुसलमान जो अलग अलग हो गए और फिर और भी जो होंगे जैसे सिख और ईसाई आदिक यानी सभी जेते जीव जहान सतनाम की साख गए ये पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष, मोक्ष पद पाओगे सब के सब। वो सतनाम प्राप्त करके इस दास से महापुरुष से जैसे परमात्मा ने कहा था उस कबीर वाणी में कि सभी पंथों को मिटा के एक पंथ चलाऊंगा, उसके विषय में फिर दोहराया है कि वो कैसे एक होंगे। यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये सत सुकृत के मद तिमी सभी पंथ समाए। आगे रामदेव जी 62 पृष्ठ पर कहते हैं, कलयुग में सतयुग आवसी पहरा पापरा पलटेला साचा संत दल में आवसी ऋषिजन साख भरेला। बाबा रामदेव जी आगे कहते हैं कि वह संत कलयुग में सतयुग लाएगा और वह इस दुनिया में हो रहे पाप को खत्म कर देगा और सतगुरु भक्तों की साथ दल में आएगा जिससे सभी साधु संत उसकी साख भरेंगे, उसका गुणगान गाएंगे। ये वाणी भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में ही बोली है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज विश्व में शांति लाने वाले हैं और कलयुग में सतयुग वाली जो भविष्यवाणी है ये अकेले रामदेव सिंह ने नहीं कही, सैकड़ों भविष्य वक्ताओं ने संत रामपाल जी महाराज के लिए कही है। कि घर घर बोध विचार हो मेरे ज्ञान का घर घर चर्चा सा लगी और दुर्मति दूर बहाए सबकी दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी हाहाकार मिट जाएगा माया की दौड़ मिलावट रिश्वतखोरी आपस में लड़ाई खेचा तानी ये दुर्मति दूर बहाए और कलयुग में एक होकर सब बरते सहज स्वभाए। कहते मेरे ज्ञान का घर घर में विचार चला करेंगे और उससे सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी, सब प्यार से रहा करेंगे, पता लग जाएगा मैं एक पिता की संतान है, ना सास बहू लड़ेगी ना पड़ोसी के साथ झगड़ा होगा, कोई मुकदमा नहीं होगा। और कहते हैं कलयुग में एक हो कै सब बरतें सहज सुभाय सब प्यार से रहा करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य है, धन आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ, आप वो प्यारी आत्मा हैं जिसके लिए ये समय ठीक दर रखी थी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आपने इस वीडियो में देखा कि रामसा पीर जी ने संत रामपाल जी की ओर इशारा करते हुए कहा है कि वह अवतार जो विश्व का कल्याण करेगा वह जाट जाति से होगा, वह हरियाणा से होगा, वह पांच नामों से आगे की भक्ति बताएगा, वह दल में चलेगा, कबीरदेव परमात्मा के गुण अपने मुख कमल से बताएगा और सूक्ष्म वेद वह चारों वेदों को आधार बनाकर भक्ति बताएगा। दोस्तों जब जब हम महापुरुषों और अवतारों की कहानियां और उनकी बातें सुनते हैं तो हमारी चाहत होती है कि काश हमारा भी उस समय जन्म होता या हम भी उनके समकालीन होते तो महापुरुषों की सेवा और उनके संग का लाभ उठाते। लेकिन हर बार हम अवतार को तब मानते हैं जब वह इस संसार से जा चुके होते हैं, फिर हम उन्हें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ढूंढते रहते हैं। क्यों ना हम उनको सहशरीर हैं तब पहचान लें। वर्तमान में इस विश्व में संत रामपाल जी महाराज ही वो महापुरुष हैं जिनके माध्यम से विश्व का कल्याण संभव है। यदि इस मूल्यवान समय में हमने संत रामपाल जी को नहीं पहचाना तो इसकी हानि का अंदाजा हमें तब पता चलेगा जब हम 84 लाख योनियों में कष्ट सह रहे होंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी।